दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी आप मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं, तो वो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, स्ट्रेटजी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। तो स्ट्रेटजी है काफी ज्यादा पॉपुलर है, और जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको स्टॉक कहाँ से फाइंड करने हो, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पर सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी सिंपल है गाइस, आपको यहाँ पे कोई भी आपके स्टॉक का चार्ट जो है यहाँ पे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स टैब में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA, और यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एक बार दबाएंगे तो एक बार आ जाएगा, और आपको दो बार दबाना है तो दो बार आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दो इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं, दोनों सेम इंडिकेटर हैं, बट आपको सेटिंग्स में चलना है, दोनों की अलग अलग सेटिंग्स होने वाली हैं। वीडियो को पूरा देख लेना, वरना स्किप मत करना, वरना आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पता नहीं चलेगा, वरना आपका लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लेंथ में 200 रखना है, और यहाँ पे सारा कुछ कुछ भी नहीं करना आपको, और यहाँ पे जो है इसका कलर जो है आपको ग्रीन कर लेना है। और मैं लेंथ थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ओपेसिटी और यहाँ पे थिकनेस बढ़ा दी है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, और अब हम जो जाना है सेकेंड की स्ट्रेटजी सेटिंग्स में, और इसके इनपुट्स में आपको यहाँ पे 200 की जगह 250 यहाँ पे पुट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो स्टाइलिंग में जाना है आपको, स्टाइलिंग में इसके जो है यहाँ पे आपको रेड सिलेक्ट करना है, और मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा स्ट्रेटजी तैयार है बिल्कुल। आपको जाना है डे टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखेंगे तो काफ़ी लंबे जो है यहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब 15-20 दिन में निकल जाना है, तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ करना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा गाइस। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो आप डे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, मंथली पे भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट फिलहाल हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 250 के EMA है। जो रेड वाली लाइन है गाइस वो है हमारी 50 की, और जो हमारी ग्रीन वाली है वो 200 EMA की। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी ये रेड वाली, ध्यान से सुनना गाइस, जब भी ये रेड वाली लाइन जो है इस ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करे, जैसे कि यहाँ पे कर रही है, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, तो वही सेम टाइम पे आपको एंट्री कर लेनी है यहाँ पे, जैसे आपको इस कैंडल पे एंट्री कर लेनी थी, और काफी अच्छा खासा 3-3.5% का प्रॉफिट आपको कितने दिन में अचीव हो रहा है दोस्तों, वो आप देख लो यहाँ पे, लगभग एक दिन और दो घंटे में आपको ये 2.5-3% कमा के दे रहा है। बट हमें एग्जिट कहाँ पे करना है वो मेन बात है। अभी गाइस एग्जिट के लिए मैं आपको किसी और स्टॉक में लेके चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जिट के लिए मैं आपको बताता हूँ, हैवेल्स का चार्ट खोल लेते हैं, हैवेल्स इंडिया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमें एक क्रॉसओवर मिला था, यहाँ पे रेड लाइन ने क्रॉस किया ग्रीन लाइन को, और यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट जो बनता है इस कैंडल पे, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लगभग कुछ ही 1-2% का ही हमें जो है आपको मूव देखने के लिए मिला, वरना स्टॉक जो है नीचे चला गया। बट अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे ना गाइज आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो, वो कैसे, जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर हो और ये प्राइस जो है यहाँ पे इस रेड लाइन को टच कर जाए, तो वहां पे आपको जो है एग्जिट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, वॉल्यूम अच्छा है, तो गाइज आपको ग्रीन लाइन को क्रॉस करने का वेट करना है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि गाइज ये ग्रीन लाइन जो है 200 EMA है। कोई भी स्टॉक का चार्ट जो है अगर 50 EMA को क्रॉस करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा, बट 200 EMA को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन चार्ट में भी दिखाऊं, प्राइस वहीं से रिवर्स हुआ जहाँ पे 200 EMA था, तो अगर आप गौर से देखो तो प्राइस वहीं से रिवर्स होकर ऊपर चला गया। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, और अगर आपने वेट की होती, पेशेंस रखा होता, तो अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है 5-6% का प्रॉफिट आपको 19-20 दिन में यहाँ पे अच्छा गेन हो जाता। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप 2-3 स्टॉक्स में भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो और यहाँ पे 5-6% का मंथली प्रॉफिट भी जनरेट करते हो, तो काफ़ी डिसेंट कैपिटल आप जनरेट कर सकते हो, काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। अब हम यही कुछ और स्टॉक्स में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटानिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इस रेड लाइन ने क्रॉस किया इस ग्रीन लाइन को, और हमारी एंट्री बनती थी दोस्तों इस कैंडल पे, और यहाँ पे देख सकते हो 5-6% का प्रॉफिट सिर्फ 16 दिन में आपको जनरेट करके दिया है, यानी कि आपको 15-20 दिन के आसपास यहाँ पे पेशेंस रखना होता है। और कभी कभार तो गाइस केसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि 1-2-3 दिन में ही जो है आपको प्रॉफिट जनरेट करके मिल जाता है, बट अगर आपको यहाँ पे जो है किसी भी पैनिक स्टॉक में ये काम नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिए कि निफ्टी 500 का तो एटलीस्ट वो स्टॉक हो ही हो।
अब बात आती है कि आपको स्टॉक कहाँ से लेने हैं, स्टॉक कहाँ से पिक करने हैं गाइज, क्योंकि ऐसे तो कई स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट में लिस्ट, तो कौन से स्टॉक में ये, इसको कहते हैं गोल्डन ईएमए क्रॉसओवर, तो कौन से स्टॉक में आ रहा है ये 200 ईएमए का और 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें देखना है। तो हम मैंने एक आपके लिए एक स्क्रीनर सेलेक्ट करके रखा है, तो ये है 50 ईएमए क्रॉस 200 ईएमए 1 आवर, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे आपको कैश का सेगमेंट मिलेगा, कैश सिलेक्ट मिलेगा, तो आपको कैश की जगह यहाँ पे निफ्टी 500 कर देना है, ये आपका रिस्क बहुत कम कर देगा, क्योंकि आप देश की 500 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, तो अगर आपको डूब भी जाते हैं तो आप मतलब होल्ड करके रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, हमेशा वो स्टॉक जो है नीचे नहीं रहेगा, कभी कभार ऊपर आ सकता है। और अगर आपको रन स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिलहाल 2 स्टॉक्स हैं, आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे रूट का स्टॉक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सर्च करें तो यहाँ पे जो है गाइज यहाँ देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे इसने यहाँ पे क्रॉस किया है रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को, तो यहाँ पे इस कैंडल पे लगभग आपकी एंट्री बनती है, और फिलहाल यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूटेड है, तो ये तो हम बाद में ही देख सकते हैं। और बट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने पीछे भी एक क्रॉस दिया था और यहाँ से प्रॉफिट जो है यहाँ पे काफ़ी डिसेंट दिया था, यहाँ पे देख सकते हो गाइज 5 से 6% का प्रॉफिट 18-20 दिनों में, यहाँ पे 12 दिनों में भी जो है यहाँ पे इजिली गेन करके दिया इसने। और अगर आपको मैं जो वही बता रहा था कि स्टॉप लॉस कैसे लेना है गाइज, देखो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी और यहाँ पे आपका लॉस हो रहा था कुछ दिनों के लिए, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहता हूँ यहाँ पे आपका 2 से 2.5% का लॉस हो रहा था 2 दिनों के लिए, बट आपको एग्जिट नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आप दिखाता हूँ, ये वाली लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है 50 ईएमए को ये स्टॉक, और यहाँ पे आपको जो है रिस्पेक्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पे मूवमेंट मिली और आपको एग्जिट करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी अगर आपको एग्जिट करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कितना प्रॉफिट होता, और यहाँ पे आपने लिया और यहाँ पे आपने लगभग यहाँ पे जो है एग्जिट कर दिया, तो भी 4 से 5% का प्रॉफिट आपको 14 दिनों में यहाँ पे गेन करने को मिल गया। तो ये स्क्रीनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 स्टॉक दिन में आते हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए।